आज की वीडियो में हम पेटीएम के थ्रू हेल्थ आईडी कार्ड कैसे बनाया जाता है वह जानने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने ऑफिशियल साइट से हेल्थ आईडी कार्ड बनाने का तरीका देखा था, एंड इस वीडियो में हम पेटीएम से कार्ड बनाने का प्रोसेस देखने वाले हैं। कार्ड क्या है, हमें इसे क्यों बनाना चाहिए और इसे बनाने से हमारा क्या फ़ायदा होगा, ये सब हमने अपनी इस वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आप ये सभी चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम डायरेक्ट कार्ड बनाने का प्रोसेस ही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने पेटीएम ऐप को ओपन करें, इधर पेज को स्क्रॉल करें। इधर आपको पेटीएम हेल्थ के सेक्शन में क्रिएट हेल्थ आईडी लिखा शो होगा, तो आप इस पर क्लिक करें। इधर अगर आप पर हेल्थ आईडी ऑलरेडी है तो आप लॉगिन करें, और अगर हेल्थ आईडी नहीं है तो पहले आपको अपनी हेल्थ आईडी क्रिएट करनी होगी। तो हेल्थ आईडी क्रिएट करने के लिए इधर आप क्रिएट न्यू हेल्थ आईडी पर क्लिक करें। इधर आप अपना आधार नंबर एंटर करें, नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू करें। फिर आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, तो उस ओटीपी को आप इधर एंटर करें। ओटीपी एंटर करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करें। फिर इधर आप एक मोबाइल नंबर एंटर कर लें, जिस भी नंबर को आप अपने हेल्थ आईडी कार्ड से लिंक करना चाहते हैं वह नंबर आप इधर एंटर करें। नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू करें। फिर आपके इसी नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, तो उस ओटीपी को आप इधर एंटर कर नीचे वेरीफाई पर क्लिक करें। उसके बाद इधर आपका नेम, एज, जेंडर, एड्रेस और आपकी फ़ोटो ये आपके आधार कार्ड से ले लेगा। इधर आपकी हेल्थ आईडी शो होगी। इधर आपको एक पीएचआर एड्रेस क्रिएट करना होगा, तो आप इधर कुछ भी यूज़र नेम एंटर करें। अगर वह अवेलेबल होगा तो आपका यूज़र नेम वही हो जाएगा, और अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आपको शो होगा दिस हेल्थ आईडी इज़ नॉट अवेलेबल। तो आप एक यूनिक पीएचआर एड्रेस क्रिएट करके सबमिट करें। सबमिट करते ही आपकी हेल्थ आईडी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। इधर आपकी हेल्थ आईडी नंबर शो होगी। देखने के बाद इधर व्यू हेल्थ आईडी डिटेल पर क्लिक करें। इधर आपका नेम से होगा, इधर आपका पीएचआर एड्रेस होगा, इधर आपकी फोटो शो होगी, इधर आपका हेल्थ आईडी नंबर शो होगा, एंड इधर आपका एक क्यूआर कोड भी शो होगा, जिसे स्कैन करके कोई भी आपके हेल्थ रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है। एंड इधर अगर आपने हेल्थ आईडी ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है तो आप डायरेक्ट लॉगिन पर क्लिक करें। इधर अपना पीएचआर एड्रेस या हेल्थ आईडी नंबर दोनों में से कोई एक एंटर करें। करने के बाद कंटिन्यू करें। इधर आप चूज कर लें कि आप लॉगिन वाया मोबाइल ओटीपी होना चाहते हैं या लॉगिन वाया आधार ओटीपी। तो इधर हम वाया मोबाइल ओटीपी चूज कर लेते हैं। फिर आपके हेल्थ आईडी से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, तो उस ओटीपी को आप इधर एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपकी हेल्थ आईडी पेटीएम से सक्सेसफुली लिंक हो जाएगी। इधर सेम आपका हेल्थ आईडी नंबर शो होगा। देखने के बाद इस पर क्लिक करें, एंड इधर भी सेम आपका नेम, पीएचआर एड्रेस, आपकी फोटो, हेल्थ आईडी नंबर और एक क्यूआर कोड इधर आपको शो होगा। इधर इस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इधर एक से ज़्यादा आईडी ऐड करने के लिए इधर आप ऐड मेंबर पर क्लिक करें। इधर आप जिसे भी ऐड करना चाहते हैं उसका पीएचआर एड्रेस या हेल्थ आईडी नंबर इधर एंटर कर नीचे कंटिन्यू करें। इधर आप इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को चूज कर लें। फिर जो वन टाइम पासवर्ड आपके नंबर पर सेंड किया गया है उसे इधर एंटर कर नीचे वेरीफाई पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके उस मेंबर का हेल्थ आईडी कार्ड भी पेटीएम से सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा। इधर आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके पेटीएम में दो मेंबर ऐड हो जाएंगे। इधर ऐड मेंबर पर क्लिक करके आप और भी मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। इधर मैनेज पर क्लिक करके आप किसी भी मेंबर की हेल्थ आईडी को पेटीएम से रिमूव कर सकते हैं। इधर से आप रिलेशन को चूज कर सकते हैं, तो इससे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें। एंड इस पर क्लिक करके आप अपनी हेल्थ आईडी को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप पेटीएम से हेल्थ आईडी कार्ड बना सकते हैं और बने हुए कार्ड को पेटीएम से लिंक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।